आज हम पढ़ेंगे गटेशन और ब्लीडिंग के बारे में, ठीक है। गटेशन किसे बोला जाता है? बहुत सारे लीप को हम लोग देखे हैं कि लीप के जो मार्जिन रहता है यहाँ से छोटे छोटे पानी, मतलब पानी की बूंदे इसमें पाया जाता है, ठीक है। वाटर ड्रॉपलेट्स पाया जाता है लीप के मार्जिन में। तो लीप के मार्जिन से वाटर का सिक्रेशन, वाटर का निकलना और अन इंज्योर्ड पार्ट, प्लांट्स के ये जो पार्ट होता है इंज्योर्ड पार्ट नहीं होता, मतलब चोट लगने के बाद पानी गिर रहा है ऐसा नहीं है, मतलब बिना इंज्योर्ड प्लांट्स जो है, अन इंज्योर्ड पार्ट जो है प्लांट्स का, उस पार्ट से पानी का निकलना, उसको बोला जाता है गटेशन, ठीक है। ये जो बहुत सारे लीव्स में गटेशन देखा जाता है, जैसे टोमेटो, कोलाकेशिया, ग्रेसेस, कुकुरबिटा, नास्टूटियम, ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं जिसके लीप के जो मार्जिन, लीप के मार्जिन होता है, मार्जिन से वाटर ड्रॉपलेट्स निकलता है, इसको बोला जाता है गटेशन। और ये पार्ट क्या, किस टाइप का पार्ट रहता है? अन इंज्योर्ड पार्ट, ठीक है। अन इंज्योर्ड पार्ट से वाटर का सेक्रेशन, उसको बोला जाता है गटेशन, ठीक है। बहुत सारे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस इसमें पाया जाता है, डिजॉल्व रहते हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस डिजॉल्व रहता है, बहुत सारे एंजाइम, एमिनो एसिड, शुगर, ऑर्गेनिक एसिड्स, विटामिन्स, मिनरल्स इसमें पाया गया, ठीक है। ये ज़्यादातर प्लांट्स के जो मार्जिन होता है लीप के, उसमें देखा जाता है और रात में देखा जाता है। रात के समय क्या होता है, ट्रांसपिरेशन कम होता है, लेकिन वाटर एब्सॉर्प्शन लगातार होता रहता है। रूट जो वाटर एंड मिनरल का एब्सॉर्प्शन लगातार करते हैं, लेकिन ट्रांसपिरेशन कम होता है, तो इसलिए क्या हो जाता है, ये गट सेल से कंट्रोल भी नहीं होता, मतलब स्टोमेटा नहीं है यहाँ, स्टोमेटा से पानी एवापोरेट हो रहा है ऐसा नहीं है, ठीक है, इसलिए गट सेल से कंट्रोल नहीं होता। ये क्या होता है, रूट लगातार जो वाटर मिनरल का एब्सॉर्ब कर रहा है उसी प्रेशर से पानी बाहर की ओर निकल जाता है, ठीक है, रूट प्रेशर से होता है। और इस पानी को देखने से, अच्छे से टेस्ट करने के बाद पता चला कि ये जाइलेम सैप होता है, ठीक है। जैसे लीफ है, लीफ का सबसे ऊपर का भाग, इसमें वाटर ड्रॉपलेट्स देखा जाता है, ठीक है। तो इस लीफ के ऐसा देखा गया है इंटरनल पार्ट को देखने से कि जो जाइलेम के वेसल्स और ट्रैकेट से वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब होता है, जाइलम के वेसल्स एंड ट्रैकेट से जो वाटर मिनरल एब्जॉर्ब होकर ऊपर तक पहुँचता है, तो जिस जगह में एंडिंग रहता है वेन का एंडिंग, ट्रैकेट्स जो है उसका जो एंडिंग है, वहाँ बहुत सारे लूजली अरेंज पैरेन्काइमाटस सेल्स पाया जाता है, ठीक है। बहुत सारे पैरेन्काइमाटस सेल्स पाया जाता है जो कि लूजली अरेंज रहता है, उसके बीच बीच में बहुत सारा गैप पाया जाता है। तो ऐसा माना गया है कि जो ट्रैकेट्स एंड वेसल्स से वाटर एंड मिनरल्स आता है, उसके जो लास्ट एंडिंग रहता है, उस एंडिंग से रूट प्रेशर के कारण पानी बाहर निकलता है, और निकलने के बाद यहाँ बहुत सारी खाली जगह है क्योंकि ढीला रूप से अरेंज रहता है पैरेन्काइमाटस सेल्स, तो इस खाली जगह से वाटर जो है वो बाहर तक चला जाता है और मार्जिन से निकलने लगता है, ठीक है। तो इस टाइप के स्पेशल टाइप का पोर जो मार्जिन, लीफ के मार्जिन से निकलता है, उसको हम बोलेंगे वाटर ड्रॉप, और इस जगह को बोला जाता है हाइडेथोड्स, हाइडेथोड्स बोला जाता है। इस टाइप के जो लूजली अरेंज पैरेन्काइमाटस सेल्स पाए जाते हैं उसको बोला जाता है एपिथेम, ठीक है। लीप का इंटरनल स्ट्रक्चर है, ये जाइलेम के ट्रैकेट्स एंड वेसल्स है, और ये लोअर एपिडर्मिस वेन एंडिंग, ठीक है। ट्रैकेट्स एंड वेसल्स का जो एंडिंग होता है, वहाँ से रूट लगातार रूट एब्जॉर्ब होता रहता है वाटर मिनरल्स, ठीक है। वाटर मिनरल एब्जॉर्ब होकर जो एंडिंग वाला पार्ट थोड़ा नीचे ही ख़त्म हो गया, कुछ प्लांट्स में ऐसा होता है, ठीक है। तो वहाँ से जो वाटर मिनरल जाइलेम सैप, जाइलेम से होता है इसलिए जाइलेम का जो सैप होता है, उस सैप जो यहाँ से निकलता है, या लूजली एरेंज पैरेन्काइमाटस सेल्स रहते हैं, यहाँ के खाली खाली जगह से पानी ड्रॉपलेट्स की के रूप में मार्जिन से निकल जाता है, ठीक है। एक वाटर, एक जाइलेम का एक प्रेशर कम, रूट प्रेशर कम करता है, उस रूट प्रेशर से ऐसा होता है। इस टाइप का जो प्रोसेस होता है उसको बोला जाता है गटेशन, ठीक है। ये लीप के किनारे से ही ऐसा होता है, और रात के समय होता है जब ट्रांसपिरेशन बहुत कम रहता है और वाटर एब्सॉर्प्शन लगातार चलता रहता है, ठीक है। ये था गटेशन। अब देखेंगे हम ब्लीडिंग, ब्लीडिंग और गटेशन में बहुत ज़्यादा अंतर है। गटेशन क्या होता है, अन इंज्योर्ड पार्ट से पानी बूंद के रूप में गिरती है, ठीक है। लेकिन ब्लीडिंग क्या होता है, इंज्योर्ड पार्ट, जब ऐसा होता है किसी स्टेम को काट दिया जाता है, या छोटे छोटे हर्बेसियस प्लांट्स में सबसे ज़्यादा ये देखा जाता है,
ठीक है, उसमें कोई जगह कट गया, इंज्योर हो गया, उस जगह से वाटर सैप निकलता है, हम लोग देखे हैं। ठीक है, उस जगह से जब किसी प्लांट्स के बीच के भाग को हम काट देते हैं, छोटे छोटे हर्बेसियस प्लांट्स के, तो हम देखेंगे कि वाटर ड्रॉपलेट्स टाइप का निकलता रहता है। ठीक है, ये चीज़ जो है वो फ्लोएम से होता है। ठीक है, एक्सुडेशन ऑफ वाटर सेल्स थ्रू द कट्स ऑफ वुंड्स, इस जगह से इसको बोला जाता है ब्लीडिंग। ये भी रूट प्रेशर से ही होता है, ये भी रूट प्रेशर से लगातार, रूट प्रेशर से जो वाटर मिनरल का एब्जॉर्प्शन होता है उसी से होता है। लेकिन ऐसा देखा गया है कि इसका जो सैप होता है उसमें बहुत ज़्यादा शुगर पाया जाता है, और फ्लोएम के सीप ट्यूब में जो फोटोसिंथेसिस से फूड मटेरियल कलेक्ट करके जमा रहता है वो मटेरियल इसमें मिलता है। इसका मतलब है ये जो चीज़ें हैं ये फ्लोएम से निकलता है, ब्लीडिंग से, किसी जगह के में चोट लग जाने से जो वाटर मटेरियल निकलता है वो फ्लोएम से निकलता है। लेकिन गटेशन वाला जो रहता है वो जाइलम सैप से निकलता है। ठीक है, तो इस ब्लीडिंग का भी बहुत सारे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस हैं। जैसे बहुत बार ऐसा किया जाता है कि उस जगह को चोट पहुंचा के, जैसे रबर, गम, अल्कोहलिक ड्रिंक, ऐसे चीज़ें वहाँ से निकाला जाता है। ठीक है, बहुत सारे जगह में चोट पहुंचा के रबर को भी ऐसे किया जाता है, किसी जगह को चोट पहुंचा के उस जगह से रबर लाइक स्ट्रक्चर निकलता है। फिर टोडी, अल्कोहलिक ड्रिंक, गम, ऐसे बहुत सारी चीज़ें वहाँ से निकलता है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस का होता है। ठीक है, इस टाइप से गटेशन एंड ब्लीडिंग जो है कंप्लीट हो जाता है।